धनबाद में रविवार को जेल के अंदर शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव SNMMCH की मर्चरी में रखा गया था, जिसके बाद परिजन आज धनबाद पहुंचे। परिजनों के द्वारा शव को SNMMCH से पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। वहीं अमन के परिजनों ने साजिश के तहत अमन सिंह की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। बता दें, परिजनों ने कहा कि अमन सिंह की हत्या एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुई है। उसकी हत्या के पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। उन्होंने बताया कि अमन ने कई बार अपनी जान का खतरा बताया था, इसके लिए उसने आवेदन भी दिया था, उसे जहर देकर मार देने की कोशिश भी की गई थी। इन सभी चीज़ों से अमन बेहद सतर्क रहता था, लेकिन अमन को यह एहसास नहीं था कि जेल के अंदर उसे कोई पिस्टल से मार देगा। जेल के अंदर पिस्टल जाना कोई छोटी बात नहीं या अपने आप में एक बड़ी बात है, प्रशासन और जेल की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मामला जेल के अंदर का है, इसलिए इस मामले में कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी हत्या के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र रचा गया है। उस षड्यंत्र के तहत मारा गया है, प्लानिंग सहित मारा गया है, प्री प्लानिंग के साथ जो है उसके साथ घटना घटी है। हमारी जो है अनुज वधु जो है अमन की औरत जो है कई बार एप्लीकेशन लगा चुकी है कि उनको जान को खतरा है, कई बार उनको जहर देने की कोशिश की, ठीक, उससे वो सतर्क रहते थे, लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि हम पिस्टल से मार दिए जाएंगे, क्योंकि जेल में पिस्टल जाना बहुत बड़ी चीज है। अब मामला जेल के अंदर का है, तो उसमें क्या बताएं कि कौन कौन लोग मिले हैं, लेकिन बिना षड्यंत्र तो बिना मिले इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अब वो तो जान ही रहे, गेट पे स्कैनर लगा हुआ है, उसके बाद चेकिंग होती है, कैसे असलहा अंदर जाता है, ना प्लान और बिना प्लानिंग के तू अंदर जाएगा नहीं। राज्य सरकार से कुछ मांग करेंगे? अब राज्य सरकार से क्या मांग करें, जो था वो चला गया, अब वो तो लौट के आएगा नहीं। लेकिन हम यही मांग करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है भविष्य में ना घटे। जो इसके लिए दोषी है उनको सजा मिले। क्या नाम हो गया? अजय सिंह नाम। अमन सिंह आपके जो बेटे थे? हाँ, इसमें बारे में हम क्या बता सकते हैं, जेल के अंदर बाहर वाले जेल प्रशासन व्यवस्था अपनी देखेंगे कैसे घटना घटवा दी है। अब एक भी अपराध उसका सिद्ध भी नहीं हुआ है, बताए तो सब 20-25 से भी परमा उसको करेंगे, आपको सिद्ध नहीं हुआ, 10-12 में बरी भी हो गया जी। सब क्या लग रहा है, लापरवाही है ना, क्योंकि जेल के अंदर इस तरह का घटना ऐसे में तो इनके अब क्या मांग कर रहे हैं? तो मांग क्या कर रहे हैं, जो जांच लगी अपना जांच करवाएंगे, व्यवस्था देंगे, जेल प्रशासन चाहिए या बाड़ी निकाल देगा, साथ सामान जो वो निकाल देंगे, गाड़ी देंगे, दे दिए। आप कौन हुए इनके? आप कौन है इनके? क्या नाम है आपका? ठीक है।